दोस्तों, बात जब भी प्रकृति से जुड़ी हुई होती है तो कहीं ना कहीं इंसान और उसका पूरा विज्ञान एक बार को अलग हट जाता है, और ऐसा ही होता है भारत की इस रहस्यमयी झील के साथ। वैसे दुनिया में कई ऐसी झीलें मौजूद हैं जो अपने अंदर कई रहस्य को दबाए बैठी हैं, लेकिन महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में एक ऐसी ही झील है जिस पर रिसर्च करने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक जुटे हैं। नासा से लेकर दुनिया की तमाम एजेंसीज कई सालों से इस झील पर रिसर्च कर रही हैं, लेकिन इसका रहस्य अब भी लोगों के लिए अनसुलझी पहेली बना हुआ है, जिसके बारे में कभी कहा जाता है कि ये रंग बदलती है तो कभी इसे लाखों साल पुराना बताया जाता है। आखिर क्या है इस झील का रहस्य, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इस झील का नाम है लोनार झील। ये झील प्रकृति द्वारा बनाया एक ऐसा रहस्य है जो वैज्ञानिकों के लिए ऐसी गुत्थी बन चुकी है जो सुलझने का नाम नहीं ले रही। वैज्ञानिकों की माने तो ये झील एक उल्का पिंड के धरती से टकराने की वजह से बनी थी, लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि वो उल्का पिंड कहाँ गया, इसका पता अब तक नहीं चल पाया। लोनार झील की खोज सबसे पहले यूरोपियन ब्रिटिश ऑफिसर जे.ई. अलेक्जेंडर ने साल 1823 में की थी। लोनार झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इस झील का डायमीटर 1.2 किलोमीटर है और इसकी गहराई के बारे में कहा जाता है कि ये 150 मीटर गहरी है। अब इस झील का मंगल ग्रह से कनेक्शन भी आपको समझाते हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने कुछ साल पहले इस झील को बेसाल्टिक चट्टानों से बनी झील बताया था। साथ ही ये भी कहा था कि इस तरह की झील सिर्फ मंगल की सतह पर पाई जाती है, क्योंकि इसके पानी का केमिकल नेचर भी वहाँ की झीलों के केमिकल नेचर से मेल खाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये विश्व की अनोखी झील है और दुनिया में इस तरह की सिर्फ 3 झीलें मिली हैं, जिसमें लोनार झील के अलावा अमेरिका के कैलिफोर्निया की मोनो झील तथा केन्या के मगादी झील है। इन तीनों झीलों में पानी खारा है और वैज्ञानिक मानते हैं ये तीनों गड्ढे उल्का पिंड के गिरने से बने थे। 70 के दशक में वैज्ञानिक मानते थे कि ये झील ज्वालामुखी के मुंह के कारण बनी होगी, जो कि बाद में गलत साबित हुआ, क्योंकि अगर ये झील ज्वालामुखी से बनी होती तो 150 मीटर गहरी नहीं होती। रिसर्च से पता चला है कि ये झील उल्का पिंड के पृथ्वी से तेजी से टकराने के कारण बनी। 2010 से पहले माना जाता था कि ये झील 52,000 साल पुरानी है, लेकिन हालिया शोध में पता चला है ये करीब 5,70,000 साल पुरानी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लोनार झील समतल धरती को आधा किलोमीटर से ज्यादा चीर कर बनी है। इस झील को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि 5,70,000 साल पहले एक उल्का पिंड 22 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आकर धरती पर गिरा था, जिस कारण यहां गड्ढा बना और इस झील का निर्माण हुआ। बताया जाता है कि पृथ्वी से टकराने के बाद उल्का पिंड 3 हिस्सों में टूट चुका था और उसने लोनार के अलावा और 2 जगह पर भी झील बना दी। हालांकि अब वो 2 झीलें पूरी तरह सूख चुकी हैं, पर लोनार में आज भी पानी मौजूद है। इसके अलावा अगर माइथोलॉजिकल एंगल से देखें तो इस झील को लेकर दूसरी कहानी ये भी है कि यहाँ जब ज्वालामुखी फूटा था, कहा जाता है कि इस झील का उल्लेख ऋग्वेद और स्कंद पुराण में भी मिलता है, और यहाँ कई प्राचीन मंदिरों के अवशेष भी मिले हैं। पद्म पुराण और आईने अकबरी में भी इसका जिक्र है। कहते हैं कि अकबर इस झील का पानी सूप में डालकर पीता था। इसके अलावा झील को लेकर एक कथा ये भी है कि यहाँ लोनासुर नाम का एक राक्षस था, जिसका वध भगवान विष्णु ने खुद किया था। उसी दौरान उसका खून भगवान के पांव के अंगूठे पर लग गया था, जिसे हटाने के लिए भगवान ने मिट्टी के अंदर अंगूठा रगड़ा और यहां गहरा गड्ढा बन गया। लोनार झील के पास कई प्राचीन मंदिरों के अवशेष भी हैं, इनमें दैत्यासुदन मंदिर भी शामिल है। ये भगवान विष्णु, दुर्गा, सूर्य और नरसिम्हा को समर्पित है, जिसकी बनावट खजुराहो के मंदिरों जैसी है। इसके अलावा यहाँ प्राचीन लोनारधर मंदिर, कमलजा मंदिर, मोठा मारुति मंदिर मौजूद है। इनका निर्माण करीब 1000 साल पहले यादव वंश के राजाओं ने कराया था। 10वीं शताब्दी में झील के खारे पानी के तट पर शिव मंदिर का निर्माण हुआ था, जिसमें 12 शिवलिंग स्थापित किए गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस झील के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि साल 2006 में इस झील का पानी सूख गया था, जिसके बाद उन्हें वहाँ मिनरल्स के छोटे छोटे टुकड़े चमकते हुए देखे गए थे। हालांकि बाद में फिर इस इलाके में बारिश हो गई और झील फिर से पानी से भर गई। इस झील के पास एक और कुआं मौजूद है, जिसके आधे हिस्से का पानी खारा है और आधे हिस्से का पानी मीठा है। प्रकृति का इस तरह का अनोखा रहस्य दुनिया में शायद ही कहीं हो, जहां एक ही सोर्स से निकलने वाला पानी आधा मीठा और आधा खारा होता है। कुएं में मीठा और खारा पानी होने की विशेषता के कारण आसपास के लोग इसे सास बहु का कुआं भी कहते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इस झील के एक और अनोखेपन की, तो ये झील अपना रंग भी बदल देती है। कुछ सालों पहले इस झील का रंग पहले लाल फिर गुलाबी हो गया था, जिससे कि वैज्ञानिक और रिसर्चर्स हैरान रह गए थे। इसके बाद जब इस मामले की जांच की गई तो लोनार झील संरक्षण एवं विकास समिति के मेंबर ने कहा कि इस झील का पानी खारा है
और इसका पीएच लेवल 10.5 है। उनके अनुसार पानी की सरफेस से 1 मीटर नीचे ऑक्सीजन नहीं है, जबकि इस झील में शैवाल है और गर्मी की वजह से इसका पानी कम हो जाता है, जिससे इसके खारेपन में और बढ़ोतरी होती है। इस प्रकार पानी के पिंक होने के पीछे पानी का खारापन और शैवाल जिम्मेदार हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह की एक गुलाबी रंग की झील है, जिसका रंग शैवालों के कारण ही पिंक रहता है। इसके अलावा इस झील के बदलाव का कारण मौसम भी बना है। जिंदगी में कभी आपको दूसरे ग्रहों पर जाने का मौका नहीं मिल पाए, मगर आप महाराष्ट्र के बुलढाणा जनपद के लोनार गांव में जरूर मंगल ग्रह पर पाई जाने वाली सतह का अनुभव कर सकते हैं और साथ ही उल्कापिंडों के पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों को भी देख सकते हैं। यहां आपको उस दुनिया की ताकत का एहसास भी होगा। अगर आप भी इस लेक तक जाना चाहते हैं तो लोनार झील तक पहुँचना काफी आसान है। इसके सबसे पास औरंगाबाद एयरपोर्ट है, जहाँ से लेक की दूरी 157 किलोमीटर है। आप एयरपोर्ट से यहाँ कैब के जरिए पहुँच सकते हैं। वहीं सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन जालना में है, जो यहां से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोनार झील के रहस्य से लोग सदियों से रोमांचित होते रहे हैं और आज भी जो झील देखने आने वाला हर शख्स रोमांचित हुए बिना नहीं लौटता। तो दोस्तों, आपको ये झील कैसी लगी और क्या आप इस जगह कभी घूमना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।